ये बरसा हुई जोत से 10 तारीख को, 6 तारीख को, तो 6 तारीख के बाद में वो पानी आने पहले नक्सपत में अपने अपने बेगराज हैं इनसे बोला था कि ये दीवार गिर गई इनकी, माफिया आ गई इनके, तो ये नाले पहले दीवार कर ली इन्हें पाट गए, तो बार बार वो दीवार उसी में नाले में गिर रही है, वो ये कर रहे हैं, तो इन्हें वो बुलाया उसके लिए, तो नगर परिषद की वो LND गाड़ी आई, उसने 3-4-5 घंटे पूरी सफाई कर दिया और कोई नुकसान नहीं हुआ उससे। उसके बाद में ये मकान वाला एक कोने में मकान बना है जिसको रघुवीर क्या कहते हैं कोई उसमें PTI में, तो उसने टेलीफोन किया LND वाले, बुलाया कि चाय बिलवा नहीं रहा, 1 घंटा पुलिया वाला साहब के खड़ा रहा वो, उसके बाद बोला नहीं आया तो जब दवा से बुलवाया, फिर उन्होंने टेलीफोन किया आओ तो आया बहुत लोए, फिर वो उसकी मकान है उसमें 2-3 घंटा तक लोग बातें करते रहे, कमीशन भीतर रहा, और फिर ना कोई गाड़ गुड़ छोड़ के पैसे देने लेने कार्य किया कुछ कारण से, उसके बाद में फिर जो कमीशन खड़े हो गए और उसको पेड़ों को इधर वो पहले नाले को तो पहले पाट दो और बच्चों को जैसे से कार्डगार ने पटवाया, और हम जो जैसी सामने खड़े हुए तो बोलते हैं कि बाबा जी भग जाओ नहीं सर सब तोड़ देंगे, और तुमको अभी पुलिस के द्वारा बनाया बंगी से बोला हरिजनों से बोला कि भाई इनको बाबा जी पटको गाड़ी में, तुम क्यों डरे और क्या हट गए, बेइज्जती करी कि बाबा जी को पटको, तो वो हरिजनों तो बोलो कि भाई महाराज हट जाओ। महाराज श्री कब की बात है, ये कब कराई? ये 10 तारीख की बात है सर। ये जब पेड़ कब हटाए इन लोगों ने? 10 तारीख बरसा हुई 5-6 तारीख उसमें जो। अभी आप SDM साहब के पास आए, क्या आश्वासन दिया? SDM साहब ने कहा कि भाई महाराज जाओ आप भी कार्रवाई करेंगे, हम उचित कार्रवाई करेंगे, आप टेंशन नहीं रखो। ये एक मामला अपने जो कॉलोनी का है, कॉलोनी वाले ने कॉलोनी काटी है, वो नाला पहले से बहुत लंबा चौड़ा नाला था, कॉलोनाइजर ने इस नाले को पाट कर बिल्कुल छोटा कर दिया, छोटा करने के बावजूद ये हो रहा है कि हर साल वो जैसे ही बारिश आती है वो नाला गिर रहा है, इसको गिरने के साथ साथ ये जैसे नाला गिरता है ये कॉलोनाइजर वापस आते हैं नाले को वापस कर देते हैं। इस बार बारिश थोड़ी अच्छी आई, अच्छी आने की वजह से नाले में ज़्यादा दीवार गिर गई, ज़्यादा दीवार गिरने पे महाराज जी ने बोला कि भाई ये नाले में दीवार गिर गई है, और अब ये दीवार का अगर पत्थर नहीं हटाएंगे तो ये दीवार अंदर जो पानी है अगर बारिश ज़्यादा आ जाएगी तो पानी गौशाला में और मंदिर के अंदर घुसेगा, तो हमने ये शिकायत करके प्रशासन से अवगत करवाया कि नाले की सफाई करवाई जाए, तो प्रशासन ने LND भेजी, LND से नाले की सफाई हुई, सफाई होकर LND बाहर निकल चुकी थी, हम वहाँ मौके पर मौजूद थे, उसके बाद भी पता नहीं कॉलोनाइजरों ने मिलकर LND को रोका और कमीशनर को बुलाया वहाँ पे, कमीशनर और ये बैठ गए कमरे में बैठ गए आधे पौन घंटे तक, 1 घंटे तक बातचीत की, और उसके बाद में LND को जबरन वापस उतरवाया, वापस उतारने के बाद सीधे डायरेक्ट सफाई पे ध्यान नहीं देके जो बगीची में बालाजी की बगीची है बालाजी के पीछे, वो करीबन 40 सालों से वहाँ पेड़ है, उन पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के बालाजी के मंदिर की तरफ फेंक दिया, और बिल्कुल नाले में भर्ती को उधर उस कॉलोनाइजर की तरफ अपनी कॉलोनी की तरफ भर्ती को ले गए, जो एक व्यवस्थापूर्ण भावना से किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, और भविष्य में ऐसा मंदिर के आसपास और ऐसी कोई भी कुठाराघात भावना से कोई कार्य नहीं होना चाहिए, मैं यही निवेदन करता हूँ। आपका नाम? मेघराज साहू, वार्ड नंबर 24 किशनगढ़।